मानस गुंडा काम करा फिर ठीक होया किसी ने देखा को नहीं, आराम खोर तन्ने देखा कि नहीं, खुद ने दिखना चाहिए दूसरे के दिखने से फर्क नहीं है। जिन काम में लाग रहे तम नहीं बेरा था, हमने दूसरे ने किसन नहीं बेरा था, ना को बूझता थारा जाड़ा तम में राखू। पर आज एक संकल्प हो जाए गुरु गोरखनाथ के चरणों में, हे परमात्मा आज ताई करी सो करी और मेरे को ताकत देना, मैं ये दुष्कर्म ये बुरे कर्म दोबारा ना करूं और मैं आड़े बाबा के चरणा में सारे बूंदे काम आड़े छोड़ जाइयो संकल्प करके। अर नादा जोड़ के बताऊं एक दिन ऐसा आवगा ये छतों के लिए छोड़ने पड़ेंगे, वो बढ़ेगी नहीं बात, एक दिन छतों के बेजती होगी छोड़ने पड़ेंगे। और आज थारी लिपा पोती रह जाएगी अरे बाबा के छोड़ जिए नहीं का महाराज मेरे को इतनी ताकत देना मैं आगे नहीं करूं। सच तो सैया और सच हमेशा कड़वा ही होता है, सच हमेशा कड़वा होता है। बुढ़िया कहती नहीं बोली ये भाई डॉक्टर कड़वी दवाई मत लिखिए, नहीं बोले ताई दवाई तो कड़वी है, ए भाई ना तू मेरी कड़वी मत लिखिए छोड़ के पैन, नहीं बोले दवाई छोड़ के पाइया जलेबी लिख दी दवाई तो कड़वी हो सो जलेबी खानी हो दिले थारी वाली कह दू, पर सत्य हमेशा कड़वा होता है। देख एक लोकी कील न चुंबक का चेप दो और छह महीने उन्हें पड़ी रहने दो, छह महीने पाछ उस कील न तारोगे वालो की कील भी छोटे छोटे लोहे के कण खेचना शुरू कर देती है, उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने लिपट का चुंबक का सत्संग किया है। मटिया तेल में हाथ दे लो बांस हो जाए, धूप ने एक मन्यूर न्यू करके लावा था दोनों हाथा मुकार हो जाए। ये संगत की रंगत है, बढ़िया संगत कराया करो। हमने बेरा है थोड़ा सा चेत करने की जरूरत है, न्यू देख लो चोर तैयारी करोगे एक दिन थारा चोरी जरूर होगी। आज वो थारा यार से थारा नहीं करता और आंग करे से, पर उसका गुण एक दिन भुगतना पड़ेगा। जार तैयारी करोगे एक दिन थारा जारी होगी, आज वो आंग करे से एक दिन थारा जरूर करेगा। क्योंकि सीधा दुश्मनी का नाता इस दुनिया में कोई नहीं बनाता, किसी ने बनाया तो बताओ शुद्ध है दुश्मन कोई बनाओ से, एक दुश्मन है वो दोस्त में ही छिपा है, पहले वो दोस्त बनता है बाद में उसी से दुश्मन निकलता है। तो अपनी संगत इतनी बढ़िया करया करो, अड़ जकर चाल लगा जो करे मान का सहेलिया की टमक टमक घर आई गान गोबर कर रखा था मारी बगा के बबूत गोबर गम घर आया सोता सब चम दिना के दिन लाग रे दिना के दिन लाग रे, अरसा बीतता चलिया गया बीतता चलिया गया। उसको याद आता रहा कोई साधु तरीक पढ़ने की बात करके गया था, अरे लोगो 12 साल बीत गए, गुरु मसंदर नाथ जी ये कह के गए थे 12 साल बाद आऊंगा तेरी चौखट पालक सगाऊंगा तेरे बेटे के दर्शन करूंगा। और 12 साल के बाद वो तपस्वी गुरु मच्छंदर नाथ उसी सूर्य दाल ब्राह्मण के घर के बाहर खड़ा है और आवाज लगाता है अलख जगाता है बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। नगरी में करया परवे अलख निरंजन कह के मैं उन दरवाजे बोलिया दे दरवाजे बोलिया दे बारा साल दे दरवाजे बोलिया दे बारा साल के बाद। अरे 12 साल के बाद नाथन नगरी में करया प्रवेश अलख निरंजन कह कहने दरवाजे बोली आदेश बाबा उसे जो कोई आओ उसे अलख जगाओ उसे क्या होता है अलख जो
जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, जो इस बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, इससे दूर की कोई ऊर्जा, वो निरंजन, अलख निरंजन, वो परमात्मा का नाम है। पहला हिल्ला मारिया से निबला सुनो भाई, उसे लिया के खड़ा होगा पहले हिल्ले में गया। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, एक जगह ना टट्या करे मन का मणिया, सांस की डोरी शिव 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 रट्या करे, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा दान से धन ना घट्या करे, शुभ अशुभ कर्मों का खाता न्यारा न्यारा छट्या करे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कटकूप का आया सारे देश, बरसाल के भागनाथ ने नगरी में करया प्रवेश, अलख निरंजन दरवाजे बोलिया दे, पूजनीय गुरु मूर्ति बाबा सत्यनाथ जी जिन्होंने याद होनी तपस्या की, हजारों हजारों रुपए से आशीर्वाद पहले, अरे भजन पर खुश होकर 1100 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं। गुरु मूर्ति को मेरा बार बार प्रणाम। हरिओम गुरु जी। यो था पहला हिल्ला गुरु मच्छंदर नाथ का, के भाई रमता जोगी बहता पानी, एक जगह ना डटिया करे, मन का मणिया, सांस की डोरी शिव 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 रटिया करे, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा दान से धन्ना घटिया करे, शुभ अशुभ कर्मों का खाता न्यारा न्यारा छटिया करे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम घूमकाया सारे देश, अलख निरंजन कह के ना दरवाजे बोली आदेश। ए लीमा का कोई भी ना बोलिया, गुरु मच्छंदर नाथ जी चुपचाप खड़िया, फिर दूसरा हिल्ला मारिया से निबला सुनो भाई, लाख चौरासी जिया चून में, लाख चौरासी जिया चून में, 84 लाख योनियां हैं ताई, और मानस ने सोचो इस धरती पर मेरा मेरा हक है, ऐसा नहीं है, इस धरती पर 84 लाख योनियों का हक है। ये 84 लाख योनि चुपकर बने हैं, 84 लाख योनि सारी न्यारी न्यारी बांट गई, 4 लाख मनुष्य प्रजाति सबसे न्यारी छांट गई, स्थावर जंगम वनस्पति 30 लाख पर डांट गई, 9 लाख जीव कहे जल के अंदर पाने वाले, 14 लाख जीव कहे आसमान उड़ जाने वाले, 27 लाख कीट कर्मी कहे दुनिया में बताने वाले, इस तरिया बने 1,84,000। ये संतों का बयान सुना दू, सुनो तो धर्म का ज्ञान। इस प्रकार से 84 लाख योनिया है, या मानसाली दुनिया तो योनि कह मैंने को, या बारिश है या बारी क्या है, 84 लाख योनियों की एक चेन है, एक माला है, या बारी आओ से इस बार मौका आओ से भाई चेन ने तू तोड़ सके से, और तू आवागमन से मुक्त हो सके से, और तू परमात्मा में साझा कर सकता है, या बारी आओ से, और ना तो भोगने के लिए तो और 83,99,999 योनिया जो केवल भोग भोग के लिए है, उनमें पंडा नहीं छूटता है, उन 84 लाख में एक नंबर है इंसान का, इसमें अपना पंडा छूटा सके से, अर यार नंबर हम कदे हम भेड़ा में भेड़ मारे में, कदे हम पेड़ा में पेड़ मारे में, कदे हम मछलियां में मछली मारे में, सब गमनी घूम से 1,84,000 जिया जून की एक के प्रणाली से नंबर के ऊपर आवे है। एक कति सादा उदाहरण बताता हूँ, जुकरिया बिजली आ रही है न्यू लालो या परमात्मा का रूप से, या बिजली आ रही है परमा, या क्यों से इसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, ऐसे ये परमात्मा की तरह है, ये ऊर्जा है खाली, इस तो बल्ब चलाओगे लाइट जलगी, इस तो पंखा चलाओगे पंखा चल गया, इस तक को गंडा सा काटे से सानी काटे से, इस तक को दूध दलो से फर्र फर्र रही चल से, इस तक को टैप चलाओ से गाना सुने से, कोई टेलीविजन देखे है, इसका मतलब इसका काम ऊर्जा देने का, इसने मतलब नहीं, तुम टेलीविजन चलाओ, फरीद चलाओ,
कूलर चलाओ, इसने कोई मतलब नहीं है, इसका काम है ऊर्जा देने का। ऐसे ही ये जो हमारी सांसें हैं, ये परमात्मा की दी हुई ऊर्जा है, उसने ऊर्जा दे दी। इस ऊर्जा तो तुम चलाओ कि हम चाहे चुगली करो, चाहे गाड़ी दो, चाहे राम के नाम लो, इसने कोई मतलब नहीं, इसने ऊर्जा दे दी। पर महीने दो महीने में बिजली बोर्ड से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिल आता है, भाई आपने इतनी यूनिट बरती, इतनी हमारी ऊर्जा बरती है, इसकी आप पेमेंट करो, तो बिजली के बिल की पेमेंट पैसे से होती है। आखिरी में परमात्मा भी हिसाब ले सतन मेरी ऊर्जा बरती है। बाण में करोड़ सांसों का कोटा है, मानव का लगभग 100 साल की उम्र बनती है, वे सांस हमने बिताने से फिर परमात्मा हिसाब ले से भाई बता तने मेरी ऊर्जा बरती, बिल भरे इमाड़ा तो बिजली का बिल तो पीछे भरिया जा से, कि आदम दे चोले का बिल ये निष्काम कर्म और ईश्वर के भजन से ये भुगतान किया जाता है। फिर उन्हें कहा बिल भरे, फिर वो नहीं देखा कि बेटे भरूं कि तो पूंजी तो सहे को ना कदे भजन करया ना निष्काम कर्म करया। इनकी सब बढ़िया होटल में खाना खा लियो, जबरू के होटल में खाना खा लियो है, और फिर पीछे देने का टाइम आओ, जब दोहरे पीछे ना हो तो के बनेगी, बताता ही के बनेगी। खाना तो बढ़िया खा लिया, 8-9 रोटी खा ली, जमा मटर पनीर गए ले, और पीछे देने के टाइम फिर टवा हम उघर पीछे गोलिया, फिर बर्तन मांजने पड़ेंगे, फिर झाड़ू पाटनी पड़ेगी, और फिर दो डुक भी लग सकते हैं, पंचायती बनने की जरूरत नहीं है, दो डुक भी। ऐसे ही परमात्मा ने कहा भाई भुगतान कर, भुगतान हो निष्काम कर्म से, भजन से, वो पूंजी है नहीं, फिर क्या करे, फिर तू बैल बने बोझ डो, फिर तू गधा बने बोझ डो, फिर तू भैंस बने दूध दे, ये सारी 184 उसी की है। फिर कर्मा के अनुसार कदे हम भेड़ा मर भेड़ मारियम, कदे हम पेड़ा मर पेड़ मारियम, इस प्रकार से 184 चल जाती है। बोल सदगुरुदेव भगवान जी हो, इन्हें देख लो भेड़ बनोगी कटक मानस बनोगी, उसे काम कर लो। दूसरा इला मारिया है लाख 84 जिया चून में, लाख 84 जिया चून में, मानव की उत्तम काया है, एक दिन सारी खप जागी, यदि खे नसवर माया है, दरवाज पया जारी माई, नाथ आस कर आया है, 12 साल में फिर दोबारा अटके सब कर लाया है, और खड़ाऊ आपके मंडले, कान में कुंडल भगमावे, नगरी में दरवाजे बोलिया दे, चंद्रनाथ खड़ा दो हिले मार लिए, ना को आवाज आई ना को बोलिया, तीसरे हिले मैंने बोला रे चतुराई मत करो, जो मन विभूति दी है वो खाली नहीं जाएगी, और मैं बाहर खड़ा बताता हूं, बच्चे की उम्र 11 साल से ऊपर ऊपर है, 11 साल से कम का नहीं है, और तुम उसको छुपाना चाहते हो, जैसे मेरा वरदान खाली नहीं जागा, अगर मेरा क्रोध जगया तो मेरा शराब भी खाली नहीं जागा, मेरी बात सुनो। तीसरी कलीम फेरे ला मारिया है, ब्रह्म विभूति दई तेरे को, ब्रह्म विभूति दई तेरे को, कैसा करया कमाल बता, नाथ का वरदान टले ना, करके जल्दी ख्याल बता, 11 साल तक के दिन ऊपर
का हो रहा सलाल बता बाहर लकड़ के सरस्वती और ब्राह्मण सूर्य जाल बता क्रोध जगे मैं श्राप देऊं क्रोध जगे मैं श्राप देऊं उन पहले में पहला कर जो प्रेस बारह साल के बाद ना लंगरी मैं करया परवी दरवाजे बोलिया दे पहले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता न्यूगा है बोला पार्वती साले जान है वाह पार्वती माँ न्यूली है भोलेनाथ है जो तेरा पकड़ा भगत नहीं है न्यूला से फिर के भगत से ट्वेट्य मखरड़ खरड़ जाड़ बाजू सारे कुणबेगी तू इनका क्या मौज कर दे तू इनके न्यूला इनका कौन मौज कर दे इनके भाग मैं को निया वाक्य करेगा बोले ना तेरा भगत रहा निवल्या बेशक भगत हो कर्मा बिना मैं भी ना दे सकता दे क्यों ना सकता नहीं दे सकता निवले क्यों ना दे सकता राय रे चाल लिया जा से तू राम हो गिर के तन माया निवल्या यो नहीं ठावगा निवले ठावगा क्यों ना गिर शंकर भगवान ने दो किल्या दाई हीरे मोती जवाहरात पन्ने असरफी धनमाल बखीर दिया उड़ोसी पहुंचया उल्लू आप ठानी सोचन लग गया बोले हैरान देख क्यों कर चालते होंगे बहुत दुख पाते होंगे भाई चालती हाँ आन जाए डाल चालन लग गया सारी छड़ती माया पाया थे उस तो पार उतर लिया नहीं जब सुलाखा बनया जब आँख खोली खोली है ना मानस जाने के भी अंधा बन गया है जब बागमा नहीं हो क्या कहा मान जी 100 रुपए से मान सम्मान किया बार बार प्रणाम धन्यवाद रामपाल रामफल शर्मा जी 200 रुपए से मान सम्मान किया बार बार धन्यवाद जगन्नाथ दया भी कर दे जगन्नाथ दया भी कर दे करमईण कुछ पावे ना सोगर दे धन माल पड़िया वपण जा अंधा ठावे ना छोटे बड़े सब धमका दे तो अन्ना एक कमावे ना धंधा छोटे धंधा छोटे सुन लो लोगो राम किसे विकास कर्म की जीत बतावे विकास कर्म की जीत बतावे ये लीलाधारी गुरु महेश परसाद बादनाथ नगरी में गया परवी अलग दरवाजे बोलिया दे जाए युग युग से